Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah. Hello friends, good morning, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स. तो आज है सैटरडे और 3 अप्रैल. तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11 और हम निकले हैं आज एक डे आउट करने के लिए. बैंगलोर में चले घूमते हैं कुछ जगह जो कि काफ़ी मस्त ब्लॉग रहने वाला है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करें बिलो और चैनल को सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ एकदम. तो चलिए अभी हम चलते हैं घूमने के लिए और रेडी हो गए हम लोग, बिल्कुल रेडी हो गए हैं. तो बहुत दिनों के बाद आज मैं निकल रही हूँ और धूप तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा देखिए धूप है, लेकिन आज थोड़ा मन कर रहा था घूमने के लिए जाए. तो चलिए चलते हैं, मैं रास्ते पे मिलती हूँ. और मैं कहाँ जा रही हूँ वीडियो को वॉच करिए तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ. चलिए चलते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं बेंगलोर सिटी टूर में, डे आउट में एक जगह पे जा रहे हैं. एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट आए थे और आप ना बेंगलोर का सिटी टूर करवाओ तो मैं एक एक प्लेस दिखाऊंगी. एक दिन में सारे प्लेस दिखाना तो पॉसिबल नहीं है और बेंगलोर तो बहुत ही बड़ा है, इसलिए अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं. जब पहुँच जाऊँगी तभी मैं आपको दिखाऊँगी, आप वीडियो में बने रहे हैं. और देखिए, आज हम दोनों ने मैचिंग ऑरेंज पहना है, मैंने ब्लू ऑरेंज और उन्होंने पहना है ब्लैक ऑरेंज. और अभी हम निकल रहे हैं, मैं सिटी टूर धीरे धीरे सारे प्लेसेस आपको दिखाऊंगी. तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. और धूप बहुत है, मैं बैक कमरे में आपको दिखाती हूँ. तो देखिए फ्रेंड्स, कितना धूप है, लेकिन जब मन करता है तो क्या करें, एक ना एक दिन तो निकलना ही है घर से बाहर. तो टनल आ गया है, अभी हम जा रहे हैं, पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलती हूं. तो फ्रेंड्स, हम आके पहुंच गए हैं विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम. तो आज हम आए हैं म्यूज़ियम घूमने के लिए और ज़्यादा भीड़ नहीं है. देखिए, ये म्यूज़ियम है और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी. ये पूरा एरिया है म्यूज़ियम का और उस साइड पे गैलरी है, आर्ट गैलरी देखिए. तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं. फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम में, जैसे मैंने आपको दिखाया. अभी हम अंदर जाएंगे टिकट कट करने के लिए. और अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होते हैं देखने के लिए. और ये पीछे गार्डन है इस तरह से, ठीक है. चलिए चलते हैं अंदर, फिर मिलती हूँ. तो फ्रेंड्स, ये है साइंस म्यूजियम. यहाँ पे साइंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है. और ये पूरा एरिया है म्यूज़ियम का. और यहाँ पे देखिए, सैनिटाइज करने के लिए रखा गया है. और यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं ताकि साइंस रिलेटेड न्यू चीज़ें वो सीख सकें, इसलिए हम आज आए हैं. और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, अगर आप बेंगलोर आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए. तो देखिए, बाहर में ऐसे अभी जैसे कि कोरोना की टाइम है, बाहर ऐसे कॉन्टैक्टलेस वॉशिंग स्टेशन रखा गया है. आप पहले सैनिटाइज करके, हैंड वॉश करके, सैनिटाइज करके अच्छे से उसके बाद अंदर जाना है. देखिए, इधर से पहले हैंड वॉश करने के लिए रखा गया है, उसके बाद अंदर आप जाना है. तो यह है साइंस म्यूजियम का, पहले में ऐसे रखा गया है. और यहाँ पर देखिए, फ्री एंट्री होता है, जो स्कूल के बच्चों के लिए होता है ना, वो फ्री एंट्री रहता है. और बड़ों के लिए जो 75 रुपीस रहता है टिकट का कॉस्ट, देखिए 75 रुपीस रहता है. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ग्लोब दिया गया है क्योंकि जो हम बटन दबाने के लिए प्रेस करते हैं ना, इसलिए हैंड में ग्लोब पहनना ज़रूरी है. यहाँ पे दिया गया है प्रिकॉशन के तौर पे. तो यहाँ पे देखिए, अभी हम इंजन हॉल में एंट्री करेंगे. पहला जो है वो है इंजन हॉल, वहाँ पे एंट्री करते हैं और देखते हैं. That is the prototype, replica of that.
how they used to fly the plane, they were flying it. तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, ये म्यूजियम के अंदर आ गए हैं हम। तो चलिए, ये है बड़ा सा डायनासोर। देखिए बड़ा सा डायनासोर। देखिए डायनासोर। तोर कौन करी वीडियो सेल्फी के अंदर? हाँ जो जो अस्त अस्त अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। खाली डायनासोर रे करबा रे मोर पण ना। हां देख लीजिए म्यूजियम के अंदर, यहाँ पे है चेन इंक्लाइंड जो पुली मशीन्स होते हैं, यहाँ पे देखिए। और सिंपल मशीन्स जो हमारी फिजिक्स में रहता है, सिंपल मशीन्स। ये है लीवर, सारे डिफरेंट डिफरेंट। व्हील एंड एक्सल, ये सिंपल मशीन की कॉर्नर है। ये साइंस और फिजिक्स स्टडीज के लिए अच्छा है, फिजिक्स के लिए, बच्चों के लिए, फिजिक्स स्टडी के लिए। और यहाँ पे देखिए प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन्स, स्क्रू, ये पुली एरिया, ये सारे फिजिक्स रिलेटेड पुलिस और मैकेनिज्म्स, सब बच्चों के लिए फिजिक्स स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, कैम कैम है, चेन ड्राइव, देखिए चेन ड्राइव का, और ये बेल्ट ड्राइव, ये है क्लॉक, थर्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव का क्लॉक, इसका रेप्लिका है। और ये सारी फिजिक्स कॉर्नर है, मैकेनिज्म्स। ये है वीडियो कॉर्नर, गियर्स,
शेयर मॉडल का ट्रक स्टीम वैगन। तो फ्रेंड्स ये सारे फिजिक्स रिलेटेड सेक्शन है जहाँ पे बच्चों को फिजिक्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी मशीन्स है जो मैकेनिज्म्स हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल इंजन, वो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत ही आते हैं ताकि उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ये यहाँ पे देखिए डीजल इंजन है, तो सारे मशीन्स वगैरह वहाँ पे रखा गया है। और जो हमारी फिजिक्स रिलेटेड मैकेनिज्म्स पूरी जो भी रहता है सभी का चीज़ें रखा गया है। ये पूरा फिजिक्स का कॉर्नर है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट वन है और मैं पार्ट टू और थ्री भी लाने वाली हूँ। म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, एक ही ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिजिक्स का पार्ट है और मैं दूसरा स्पेस का और जो बायोलॉजी का पार्ट भी लाने वाली हूँ। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग बिल्कुल बताइए, और कुछ नया आप दिखना चाहते हैं तो भी बताइए, मैं नई नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग बहुत टर्निंग है, प्लीज़ इसको एंजॉय करें। और चलिए मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।